अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केक की फ्रॉस्टिंग। आज हम सीखेंगे कि केक पर जो क्रीम लगी होती है वो फ्रॉस्टिंग कैसे तैयार की जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, तो वो हम आपको आज बनाना भी सिखाएंगे। तो इसके लिए हमें मक्खन चाहिए तकरीबन 180 ग्राम, चीनी चाहिए 105 ग्राम। चीनी आप देख लीजिएगा कि अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। अंडे 2 अदद और वनीला एसेंस चाहिए 2-3 ड्रॉप। तो इसके लिए हम जो बर्तन यूज करेंगे, कोशिश करनी है कि उनपे ऑयल ना लगा हो। ये देखिए हमने बाउल लिया हुआ है शीशे का, ये बिल्कुल साफ है, ना इसके अंदर पानी है ना कोई चिकनाई की चीज लगी हुई है। देखें, ये हमने पहले ही धो के साफ करके रख लिया था ताकि हमारी क्रीम खराब ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडे की सफेदी अलग कर लेंगे। येक वाइट हमने अलग कर लिया है। अब हम इसको बीट करेंगे। इसको थोड़ा सा बीट करके हम अब इसके अंदर जो हमारी चीनी थी वो हम डालेंगे, थोड़ी सी अभी डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। स्लो स्पीड पे आपने इसको मिक्स करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता चीनी ऐड करते रहना है। जब इसमें आप चीनी सारी डाल दें तो इसको आप फुल स्पीड पे तकरीबन 1 मिनट तक बीट करेंगे। एक मिनट तक या इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाए। अब हम इसको डबल बॉयलर पे गर्म करेंगे ताकि आपका जो अंडा है ये थोड़ा थोड़ा पक जाए। याद रखें, इसे ओवन में आप गर्म नहीं करेंगे, या इसे आप डबल बॉयलर पे गर्म करेंगे। तो चलिए हम इसको डबल बॉयलर पे गर्म करते हैं। ये हमने पैन चूल्हे पे रख दिया है, इसकी फ्लेम जो है वो लो कर लेंगे। इसको हम साथ साथ बीट करते रहेंगे। इसका जो टेम्परेचर है वो 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे या इसे कम नहीं करेंगे। बाउल गर्म हो गया है लेकिन अंडा अभी वैसे का वैसा ही है, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ा। तो आपने जो फ्लेम है वो इतनी ही रखनी है कि आपका अंडा नीचे लगे ना। अगर आपके पास कोई टेम्परेचर मेजरमेंट की कोई चीज़ नहीं है तो आपने अपनी उंगली से चेक करते रहना है कि जैसे ही आपकी उंगली को लगे कि ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, इतना कि आपकी उंगली अंदर आसानी से डिप हो जाए, तब आपने उतार लेना है। ये देखें, ये जब अंदर बबल्स बनने लग जाए तो इसका मतलब है ये गर्म हो गया है। हम हाथ से भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तकरीबन ये मेरी उंगली इसके अंदर जा रही है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये मैंने साथ साथ इसके अंदर ये बीट करता रहूंगा, आपने भी साथ साथ इसको बीट करते रहना है। अब हम बाउल को उतार लेंगे। ये हमने डबल बॉयलर से नीचे उतार लिया है और अब इसको बीटर की मदद से 1 मिनट तक तकरीबन बीट कर लेंगे। तकरीबन इसको इतना हम बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का जब हो जाए तो आपने बस कर देनी है। देखें, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। जब इस तरह का हो जाए तो आप मिक्सर को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है तब हम कंटिन्यू करते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर बटर डालेंगे। अगर आपके पास घर में आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो आता है वो मक्खन से ही आता है। तो जो ये मक्खन है ये तकरीबन हमने 180 ग्राम लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे लेना है। आपने ये रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा नहीं करना, ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो। हम बीटर हम स्लो स्पीड पे चलाएंगे और एक एक चम्मच मक्खन का डालते रहेंगे। इकट्ठा मक्खन नहीं डालना, एक एक डालना है और उसको मिक्स होने के बाद हम और डालेंगे।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको बीटर की फुल स्पीड पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर अच्छा है या बीटर बड़ा है तो फिर आप कम टाइम पे बीट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कहां तक आपने स्ट्रक्चर को बीट करना है, कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है तो आपने बीट करना बंद कर देना है। अब हम इसको फुल स्पीड पे बीट करेंगे। 1-2 मिनट आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ही अपना स्ट्रक्चर देना शुरू कर देगा। ये देखें, ये हमने तकरीबन 3-4 मिनट बीट किया है और इसका स्ट्रक्चर देखें कितना प्यारा आया है। अगर आप इसको देखें कितना फ्लफी है। अगर आप इसको थोड़ा सा और हार्ड करना चाहते हैं तो आप इसको और बीट करेंगे ताकि ये और फ्लफी हो जाए। मैं इसको और बीट करूंगा, अभी जो मुझे रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो मेरा नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा सा और बीट कर लूंगा, तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूं क्या आता है। मुझे जो रिक्वायर्ड था स्ट्रक्चर वो तैयार है। ये देखें ये कितना स्मूथ, कितना फ्लफी और कितना प्यारा स्ट्रक्चर दे रहा है। ये आपकी क्रीम की जो बेस है वो तैयार है। अब आपको इसके अंदर जो फ्लेवर चाहिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चॉकलेट इसके अंदर हल हो जाए। आपको कोई और फ्लेवर चाहिए आप उसका एसेंस डाल सकते हैं, फूड कलर डाल सकते हैं, या आपने इसको वाइट ही रहने देना तो आप इसी तरह केक पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप तकरीबन 2 वीक तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फ्रीजर में आप इसको फ्रीज करके तकरीबन 1 माह तक इसको आप रख सकते हैं। आपको जब चाहिए आप इसको निकालिएगा, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा और थोड़ा सा इसको आप बीट करेंगे, ये इसी हालत में दोबारा आ जाएगी। तो ये आपकी क्रीम तैयार है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।